आज हम आपको दिखाएंगे कि स्लाइडिंग डोर में स्ट्रेटनर किस तरह लगाई जाती है, जो पल्लों में हमारे वर होता है उसको कैसे सीधा किया जाता है। ये हेटिज की स्ट्रेटनर आती है, हेटिज कंपनी के भी आती है और हैपले कंपनी की भी। ये डोर्स में स्लाइडिंग डोर जो होते हैं 8 फुट के, उनको सीधा करने के लिए लगाई जाती है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये 4 पीस होते हैं, ये कनेक्ट किए जाते हैं और पल्ले में गला के फिट किए जाते हैं और इसकी ये फिटिंग है। इसके ये 2 पीस सेंटर में लगेंगे और ये 4 पीस ऊपर इसके बटन्स हैं और ये इसके कनेक्टर हैं। तो इसको ये कनेक्ट करेंगे इस तरह। देखिए हमने इसमें ये फिट की है। अभी ये हमारा फर्स्ट डोर है, ये 3 डोर सिस्टम हम लगा रहे हैं यहाँ पर। अभी ये फर्स्ट डोर है, इसमें ये स्ट्रेटनर हम फिट कर चुके हैं। अभी हम आपको बताएंगे ये किस तरह गलाई जाती है और किस तरह ये फिट की जाती है। ये हेड का टॉप लाइन 22 है। अब हमने ये यहाँ पर से लिया है 9 इंची और यहाँ से 4 इंची एक सूत और 9 इंची एक सूत का हमने सेंटर से 35mm का होल किया है। ऐसे ही हम हमने उधर होल किया है 35mm का 9 इंची हाइट में और साइड से लिया है हमने 4 इंची एक सूत, ये होल किया है। अब इसमें हम यहाँ पर 11mm की एक झिरी मारेंगे पूरी वहाँ से वहाँ तक। अभी देखिए आप किस तरह हम इसको झिरी लगा रहे हैं। हम इसको गला चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए हमने ये यहाँ पर ये गला है, इसमें ये झिरी हमने मार दी है 11mm की। ये झिरी काटी है हमने 11mm चौड़ी और ये कब्जा ये 35mm के बिट से हमने इसको गलाया है ताकि ये इसमें फिट हो जाए। अब हम इसको फिट करके दिखाएंगे किस तरह इसको फिट करते हैं। पर ये 12mm आपको ये जगह रखनी है इस पट्टी से यहाँ तक, 12 या 10mm रख सकते हो। और इसको यहाँ इसमें हमने ये फिट कर दिया है यहाँ पर। अब ये इसके ऊपर का हम कवर लगाएंगे और ये यहाँ पर ये इस तरह इसको फंसा दिया जाएगा। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको टाइट कर रहे हैं। ये इसका ये ज्वाइंटर है जो इसको सीधा करने के लिए काम आता है। इसमें सिलाई घुमा के इसको टाइट किया जाता है। इधर की टाइप टाइट करेंगे तो इसकी जो हीक होती है वो निकलेगी और उधर की टाइप टाइट करेंगे तो इसकी जो मगर में होता है वो निकल जाएगा, इसलिए सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर का हम कवर ये फिल करेंगे। कवर फिट होएगा 11mm की, आपको सिर्फ इसमें झिरी काट दी है और गहरी उतनी रहेगी जितना आपने उधर कब्जे की साइड में गहरी बिट से जितना ये गलाना है बैठाने के लिए उतनी गहरी है झिरी काटनी है 8mm 9mm गहरी।
तरह आप ये कवर को बंद कर देंगे, क्योंकि ये टाइटली बंद होना चाहिए, इसलिए इसको हमने थोड़ा टाइटली रखा है। हेड इंच की आती है, स्ट्रेटनर दे दें इसको, और हेफले में भी आती है ये। किसी भाई को ज़रूरत है श्रीनगर के अंदर तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी देंगे और नंबर भी दे देंगे दुकानदार का, वहाँ पर आप जाके परचेज कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि नई से नई आप इंटीरियर से जुड़ी हुई वीडियो रोजाना पास देख सके। करने के लिए चाल होती है यहाँ पर, इसलिए स्लाइडिंग डोर बड़े होते हैं, 8x4 के, 8x3 के साइज के होते हैं, और ये हेड इंच का आता है और हेफले में भी आता है ये, और हम ये टॉप लाइन 22 चैनल लगाई है इसमें। तो दोस्तों हमने ये स्ट्रेटनर फिट कर चुके हैं, और अब हम ये व्हील लगाएंगे इसमें, स्लाइडिंग व्हील टॉप लाइन 22 के। ये सेंटर डोर है हमारा, इसलिए सेंटर के व्हील है, और ये हम ये स्ट्रेटनर अब फुली फिट कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो, क्वेश्चन हो स्ट्रेटनर के बारे में लगाने में किस तरह, अगर आपको कोई वीडियो समझ के नहीं आई हो, समझ में कहीं बात में परेशानी आ रही हो, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149153741, और हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दे देंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और आप हमारे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।